दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, आयुर्वेदिक किताबों में ऐसा उल्लेख बार बार मिलता है, पौरुष मणि क्या है। कई जगह ये उल्लेख आया है कि पौरुष मणि किसे कहते हैं, पौरुष मणि का अभिप्राय क्या है। आप लोगों को सारी बातें मैं शुद्ध और सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी सारी बातें समझ पाएंगे। दोस्तों, नए व्यूवर्स से गुजारिश से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों लाइक करना और शेयर करना। दोस्तों, ऐसे ही मैं यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए प्रतिदिन लाते रहता हूँ। पौरुष मणि क्या है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से संत ऋषि महात्मा आपको ऐसे घूमते हुए मिल जाएंगे जो इनकी एज काफ़ी हो चुकी होती है, जो चौथेपन में भी हैं, लेकिन उनके चेहरे से देखने का तेज उतना तेज किसी जुआ आदमी से भी नहीं निकलता। उनके चेहरे पर इतनी तेज होती है ना कि उतने तेज किसी जुआ में ही नहीं पाया जाता है। जैसे देखना आप, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद थे, ऐसे महापुरुषों का आप फोटो देखना आज भी, वो इतने लंबे एज के बाद उनके चेहरे से इतनी ओज और तेज निकलता था, चेहरे में वो आकर्षण होता था, अट्रैक्शन होता था, चमक होता था। आखिर ऐसा क्या चीज़ है? तो दोस्तों, वह पौरुष मणि का ही प्रभाव है। आखिर वो पौरुष मणि क्या है कि इंसान ओवर एज होने के बाद भी उसके चेहरे पे एक जवान से ज़्यादा तेज और ओज आकर्षण, चेहरे पे स्माइलिंग, चेहरे पे चिकनापन, चेहरे पे तेज बना हुआ है, जो कि आज के नौजवानों के लिए दुर्लभ चीज़ है, वो पौरुष मणि है। तो पौरुष मणि आखिर है क्या चीज़? तो दोस्तों, धातु रक्षा, वीर्य रक्षा, ब्रह्मचर्य पालन, यानी ब्रह्मचर्य पालन करने से धातु की रक्षा होती है, और वह धातु हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। फलतः उसके परिणाम से हमारे चेहरे पर तक तेज और ओज पैदा होता है, जो आम आदमी से हटके कुछ अलग होता है। उस व्यक्ति के अंदर कुछ आम आदमी के बनस्पत ज़्यादा ही तेज और ओज होता है। लाट पे तेज, आँखों में तेज रोशनी, चेहरे पर मतलब एक तरह का क्या कहें, जोश, गजब उसके अंदर एनर्जी, गजब की ऊर्जा, आदमी सदा निर्भय रहता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती, सदा निरोग रहता है। तो दोस्तों, वह धातु रक्षा का ही परिणाम है, ब्रह्मचर्य का ही परिणाम है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर, यानी धातु को, वीर्य को ही पुरुष की मणि कहा गया है। हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बताया है कि धातु को, यानी वीर्य को ही, पुरुष के वीर्य को ही मणि की संज्ञा दी गई है। मणि कह समझते ना, मणि की संज्ञा दी गई है। अतः आप इसकी हर हाल में रक्षा करें, फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर वो तेज और ओज और ऊर्जा पैदा होगा, जो आम आदमी को नसीब नहीं होगा, और आप गजब की आनंद, अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे, स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। आप समझ गए होंगे कि आप लोग कि पौरुष मणि का अभिप्राय क्या है और क्या चीज़ है पौरुष मणि। तो यदि आप लोग को मेरा सलाह अच्छा लगा हो तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।